Subscribe to my channel, Pocket FM Audio. आखिर कब निकल पाऊंगा इनके चुंगुल से, दर्श ने खुद से कहा। दर्श मायूस हो गया था। बूढ़ा आदमी उसे देख सकता था पर वो भी कुछ नहीं कर सकता था। तभी ईस्टर्न सी के दल ने एक सवाल किया, तुम लोग आखिर अपने गुरु को मानते हो? दर्श ने कहा, जी बिल्कुल मानते हैं, ये भी कोई पूछने वाली बात है भला? ईस्टर्न सी ने कहा, और वो कितना? दर्श को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ईस्टर्न सी के दल का सदस्य क्या कहना चाह रहा था। दर्श ने पूछा, जी मतलब? ईस्टर्न सी दल के एक सदस्य ने कहा, अगर उनकी मृत्यु हो जाए या कोई कारण उनकी मौत हो जाए तो क्या तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? दर्श ने कहा, ये कैसा सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? दर्श थोड़े ऊंचे स्वर में बोला। बूढ़ा आदमी समझ गया था कि दर्श बहुत इरिटेट हो चुका था। दर्श उस जगह से बाहर निकलना चाहता था। दर्श के चेहरे से यह साफ नजर आ रहा था कि वो इन सब बेतुकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। दर्श ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है विघ्नेश से पीछे छुड़ाने का या उसे मारने का? ईस्टर्न सी दल के एक सदस्य ने कहा, इस सवाल को पूछने के पीछे का कारण यह था कि हमारे स्कूल के जो गुरु थे वो भी उसे नहीं हरा सकते थे, तो उसे कौन धमकी दे सकता था? इसके बारे में बोलते हुए, ये विघ्नेश की चुनौती के कारण ही हमारे स्कूल के नेता के दिल में एक गांठ थी। वो मजबूर होने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए वो पागल हो गए और मर गए। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने फिर आह भरी। ये देखा जा सकता था कि उन्हें अपने स्कूल के गुरु की मृत्यु का बहुत दुख था। ये सुनकर दर्श को बहुत उलझन महसूस हुई। चूंकि विघ्नेश पहले से ही इतना शक्तिशाली था, वो अपने पिता से कहां मिला? क्या ऐसा हो सकता था कि उसके पिता एक छुपे हुए गुरु हो? और यहां तक कि काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति को भी नहीं पता था कि उनके पिता का अस्तित्व है या नहीं। वरिष्ठ, क्या तुम जानते हो कि विघ्नेश ऐसा क्यों है? दर्श ने हैरान होने का नाटक करते हुए पूछा। वो अपने पिता के बारे में कुछ सुराग पाने की उम्मीद में सुरागों का पीछा कर रहा था। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों हो गया। वास्तव में मैं उसे दोबारा देखकर बहुत आश्चर्यचकित था। काले कपड़े वाला बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और अपना सर हिलाया। वरिष्ठ, तुम यहां कब से रहते हो? दर्श ने अपने चेहरे पर भ्रम के साथ पूछा। क्योंकि 17 साल पहले बर्निंग हेवन पवित्र स्कूल स्थानांतरित हो गया और ईस्टर्न सी छोड़ दिया था, काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने कहा। यह सुनकर दर्श बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने मोटे तौर पर कुछ सोचा था। फिर उसने जल्दी से पूछा, वरिष्ठ क्या तुम जानते हो कि वो कहां गया था? मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि, काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने कहा। मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि, वो कहां है? दर्श ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन उसके दिल में उसके पास पहले से ही कुछ उत्तर थे। मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि को इस दुनिया का केंद्र कहा जा सकता था, लेकिन इस दुनिया का केंद्र होने के बजाय ये कहना बेहतर था कि ये एक पूरी तरह से अलग दुनिया थी, क्योंकि वहां चाहे वो स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा हो, हेवेनली मार्शल रेल्म या युद्ध शक्ति, ये बहुत समृद्ध है। ये निश्चित रूप से इस दुनिया से तुलनीय नहीं था। वहां अत्यंत शक्तिशाली लोगों और चीजों, जानवरों और राक्षसों के एक समूह का पोषण किया जाता था। इसमें दुनिया के अनगिनत खजाने और आश्चर्य भी शामिल थे। मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि को मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले सभी लोगों का सपना कहा जा सकता था। हालांकि अगर तुम मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि में प्रवेश करना चाहते हो तो तुम्हें भगवान की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इस परीक्षण को स्वर्गीय मार्ग कहा जाता है, काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने समझाते हुए कहा। दर्श ने कहा, क्या स्वर्गीय मार्ग? मैं कुछ समझा नहीं। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ स्वर्गीय मार्ग, या यूं कहो तो एक स्वर्गीय सड़क है। वे कहते थे
कि यदि तुम मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि में प्रवेश करते हो तो तुम साधना के माध्यम से एक कदम में आकाश तक पहुंच सकते हो। इसीलिए मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि की ओर जाने वाली सड़क को स्वर्गीय सड़क कहा जाता है। स्वर्गीय सड़क वर्ष में एक बार दिखाई देगी। ऊंचे आदर्शों वाला कोई भी व्यक्ति इस पे प्रवेश कर सकता है, लेकिन एक बार जब तुम स्वर्गीय मार्ग में प्रवेश कर जाते हो तो तुम्हारा भाग्य अप्रत्याशित होता है। कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग का मार्ग एक दर्रा है और योग्य प्रतिभा वाला कोई भी व्यक्ति इसे पार कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्गीय मार्ग पुनर्जन्म का एक चक्र है। स्वर्गीय मार्ग में प्रवेश करना पुनर्जन्म के बराबर है। ये पिछले जीवन की यादों को धो देगा और फिर मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि में पुनर्जन्म होगा। कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्गीय मार्ग में अनगिनत खतरे हैं और केवल मजबूत लोग ही इसे पार कर सकते हैं, जबकि कमजोर लोग इसमें नष्ट हो जाएंगे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा कथन सही है। जिसने भी स्वर्ग की राह पर कदम रखा है वो कभी वापस नहीं आया है। तो दो अन्य सिद्धांत प्रसारित किए गए। एक स्वर्गीय मार्ग का तथाकथित परीक्षण है जो बिल्कुल भी अस्तित्व में नहीं है। जो कोई भी इसमें कदम रखता है वो मार्शल रेल्म की पवित्र भूमि में प्रवेश कर सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता। दूसरी बात यह है कि मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। हेवेनली रोड एक कब्रगाह है। जो लोग स्वर्गीय मार्ग में प्रवेश करते हैं वे कभी वापस नहीं लौटेंगे और मर जाएंगे। इन दो बयानों ने लोगों के एक समूह को प्रोत्साहित किया है और लोगों के एक समूह को भयभीत किया था। बर्निंग हेवन होली सेक्ट एक ऐसी शक्ति है जो मार्शल आर्ट्स की पवित्र भूमि में विश्वास करती है। उनका दृढ़ विश्वास है कि जब तक उनकी प्रतिभा एक निश्चित स्तर तक पहुंचती है वे मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन ये इस ईस्टर्न सी में नहीं है। वे मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि की आकांक्षा करते हैं, इसलिए जब उन्हें लगेगा कि समय सही है तो वे मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि में चले जाएंगे और स्वर्गीय मार्ग में प्रवेश करेंगे। ये बर्निंग हेवन होली स्कूल के प्रस्थान और हमारे सिटेडल दानव स्कूल के विभाजन के कारण ही है कि ईस्टर्न सी क्षेत्र के लोगों का मानना है कि जुक्सियन द्वीप ईस्टर्न सी क्षेत्र में नंबर एक ताकत बन गए हैं। हालांकि अब कोई दुर्घटना घटित हुई लगती है। अचानक काले कपड़े वाला बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। वरिष्ठ, क्या तुम विघ्नेश के बारे में बात कर रहे हो? दर्श ने पूछा। ये सही है, जब स्वर्ग पवित्र स्कूल ने स्वर्गीय मार्ग में प्रवेश किया मैं इसे देखने गया। मैंने विघ्नेश और अन्य लोगों को अपनी आंखों से प्रवेश करते देखा। मैंने स्वर्गीय सड़क को भी अपनी आंखों से बंद होते देखा। अब जब विघ्नेश इस भूमि पर फिर से प्रकट हुआ था तो इसका मतलब है कि कुछ अवश्य हुआ होगा। इसलिए ईमानदारी से कहूं तो मैं वास्तव में आशा करता हूं कि वो अपनी मानसिक स्थिति वापस पा सकता है, क्योंकि जब तक वो अपनी मानसिक स्थिति को पुनः प्राप्त कर लेता है वो अनलॉक करने में सक्षम हो सकता है हेवेनली रोड और मार्शल सेंट पृथ्वी का रहस्य। मार्शलिज्म की पवित्र भूमि मौजूद है या नहीं और ये स्वर्गीय सड़क पर कैसे दिखती है, ये कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे पूरे ईस्टर्न सी में हर कोई जानना चाहता था। काले कपड़े वाला बूढ़ा आदमी थोड़ा मुस्कुराया और फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठी, जैसे कि कुछ सोच रहा हो। उसने कहा, वैसे यदि तुम विघ्नेश के बारे में जानना चाहते हो तो मैं किसी को ढूंढ सकता हूं। कौन? दर्श ने पूछा। शरद ऋतु का पानी धुएं को उड़ा देता है। ये सही है, शीतल उस समय बर्निंग हेवन होली कल्ट की संत थी और वो मूल रूप से विघ्नेश की मंगेतर थी। उन दोनों के बीच सबसे करीबी रिश्ता था, लेकिन जब बर्निंग हेवन होली स्कूल ने हेवेनली रोड में प्रवेश किया तो मुझे एक विवरण का पता चला, यानी मैंने बर्निंग स्काई होली स्कूल के संत शीतल को नहीं देखा था। बाद में मेरी पूछताछ और अन्वेषण के बाद मुझे पता चला कि शीतल उल्लासनगर नामक स्थान पर गई थी।
लेकिन मेरी विशेष स्थिति के कारण मैं उसे खोजने के लिए कभी नहीं गया। काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने कहा, युआन यांग टेरेस, क्या ये ईस्टर्न सी भी है? दर्श ने पूछा, क्योंकि वो निश्चित रूप से वहां जाएगा। आखिरकार वो जानता था कि जब वो पहली बार 9 कॉन्टिनेंट्स में आया था तो विघ्नेश समझदार था, अन्यथा उसे चू युआन को नहीं सौंपा जाता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो स्वर्गीय मार्ग से वापस आता है या मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि से, लेकिन चूंकि उनका जो शीतल के साथ इतना विशेष संबंध था, इसीलिए उन्हें शीतल का दौरा करना चाहिए। अगर वो मिलने गया तो उसे शीतल को कुछ बातें बतानी चाहिए। हालांकि ये केवल एक संभावना है, कम से कम कुछ आशा तो है। वास्तव में काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने जो कहा उसे सुनने के बाद और विघ्नेश द्वारा पहले कहे गए पागल शब्दों के बारे में सोचने के बाद, दर्श ने पहले ही कुछ मोटा अनुमान लगा लिया था। यानी उनका परिवार, कम से कम उनके पिता, निश्चित रूप से ईस्टर्न सी में तो नहीं थे, या तो हेवेनली रोड पर या मार्शल आर्ट्स की पवित्र भूमि में होंगे। दर्श को लगता था कि मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि में होने की अधिक संभावना है। आखिरकार जिस देवीय गड़गड़ाहट में उन्होंने महारत हासिल की थी वो बहुत खास थी। इसे ईश्वर प्रदत्त शरीर के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता था, ना ही इसे वंशानुगत रक्त वंश के रूप में निर्धारित किया जा सकता था। कम से कम ये बात यहाँ के लोगों की समझ में नहीं आती। हालांकि यदि वो मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि से आता हो तो इसे और अधिक स्पष्ट रूप से समझाया जाएगा। बेशक आखिरकार सब कुछ सिर्फ अटकलें हैं। एकमात्र व्यक्ति जो वास्तविक उत्तर जानता था वो था विघ्नेश। विघ्नेश के अलावा ये मानना है कि केवल शीतल को कुछ पता हो सकता है। तो दर्श निश्चित रूप से शीतल के पास जाएगा, क्योंकि वो अपने जीवन के अनुभव को जानने की आशा की किरण को छोड़ना नहीं चाहता था। दर्श ने सोचा, अगर एक बार शीतल से बात हो जाएगी तो वो उसके सवालों से मुक्त हो जाएगा। दर्श ने काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी से पूछा, आखिर ये शीतल है कहाँ और कहाँ मिलेगी ये? क्या उनके साथ विघ्नेश के मिलने की संभावना है? काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने कहा, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। दर्श, वहां जाना खतरे से खाली नहीं होगा। मेरी मानो तो तुम अपने इस फैसले को यही टाल दो। क्या हुआ अगर विघ्नेश वहां मिल गया तो? तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। दर्श, समझने की कोशिश करो। दर्श ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं किसी भी तरह अपने सवालों का जवाब ढूंढ कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर भले ही मुझे उसके लिए अपनी जान का सौदा भी क्यों ना करना पड़े। वहां मौजूद सभी दर्श के इस फैसले से चौंक जाते हैं। दर्श निडर जरूर था, पर अंदर ही अंदर वो एक बात उसे खाए जा रही थी। वो थी कि क्या होगा जब वो अपने पिता से मिलेगा? कैसे बर्ताव करेगा? क्या करेगा? कैसे बात करेगा? दर्श उत्सुक तो था, साथ ही थोड़ा डरा हुआ भी था। दर्श अपने पिता की खोज में निकल गया। दर्श अपने लोगों को ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। दर्श उस रक्षक बूढ़े आदमी के साथ शीतल की खोज में निकल गया था। दर्श फिर से मौत के मुंह में जा रहा था। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने रोकने की कोशिश की, पर दर्श नहीं रुका और आगे चल दिया। दर्श आखिर जिसकी खोज में निकला था, क्या वो उसमें कामयाब होगा? क्या दर्श अपने पिता को ढूंढ पाएगा? क्या दर्श जिहान पैलेस वापस लौट पाएगा? आगे क्या होने वाला था दर्श की जिंदगी में? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। अरे बच्चे, तुम्हारा नाम दर्श है ना? विघ्नेश के बारे में बात खत्म करने के बाद काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने अचानक मुस्कुराते हुए पूछा, वरिष्ठ, तुम वास्तव में मेरा नाम तो जानते हो? दर्श पहले तो थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन फिर उसे राहत महसूस हुई। आखिरकार काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति को इंपीरियल बेरियल के बारे में भी पता था, इसलिए उसने सीक्रेट रूप से दर्श और अन्य लोगों के बीच की बातचीत को सुन लिया, और उसके लिए दर्श का नाम जानना जरूरी था। अरे, मैं न केवल ये जानता हूं कि तुम्हारा नाम दर्श है, बल्कि मैं ये भी जानता हूं कि तुम आरुषि के बहुत अच्छे दोस्त भी हो, है ना?
आरुषि बाकियों की तरह कोई आम लड़की नहीं थी। वो ना केवल एक फूल या जेड़ जितनी सुंदर थी, बल्कि वो एक परी जितनी अच्छी है। उसके पास गॉड गिफ्टेड डिवाइन बॉडी भी है। तुम नसीब वाले हो कि तुम्हें आरुषि जैसी अच्छी दोस्त मिली। मुबारक हो। हर किसी के नसीब में ऐसे दोस्त नहीं होते, लेकिन ये अफसोस की बात है कि अपने फायदे के लिए माता पिता और परिवार के सदस्यों ने उस जूक्सियन द्वीप समूह को बेच दिया। 4 साल में तुम्हारी दोस्त आरुषि जूक्सियन द्वीप समूह के घटिया युवा द्वीप मालिक से शादी करेगी। काले कपड़े पहने बूढ़ा आदमी हंसा। दर्श जैसे ही निकल रहा था वो रुक गया। दर्श को काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी की बात चुप सी गई थी। दर्श वहीं रुक गया था। इस समय दर्श ने थोड़ी सी बौहें सिकोड़ी और फिर एक व्यंगपूर्ण मुस्कान दी और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस वरिष्ठ को यह बात भी पता होगी। वास्तव में अगर मेरे पास 4 साल में उसे बचाने की क्षमता नहीं होगी तो भी मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। अरे घबराओ मत बच्चे, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने अचानक गंभीर चेहरे के साथ कहा। वरिष्ठ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? दर्श ने कहा। यह सुनकर दर्श की आंखें चमक उठी। दर्श खुशी से झूमने लगा, नाचने लगा। एक पल के बाद दर्श ने उस बूढ़े व्यक्ति की आंखों में देखा, ध्यान से देखा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि चीजें इतनी सरल नहीं हो सकती थी। हाँ, मैं नाइट डेमन स्कूल के 4 महान संरक्षकों का नेता हूं। सिटाडल दानव स्कूल में अभी भी मेरी कुछ अपील है। अगर मैं कार्रवाई करता हूं तो जूक्सियन द्वीप समूह मुझसे कुछ हद तक डर जाएगा। हालांकि दुनिया में कोई सब इत्तेफाक नहीं होता। तुम और मैं बस संयोग से मिल रहे हैं। स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हारी व्यर्थ मदद नहीं करूंगा, इसीलिए मेरी एक शर्त है। काले कपड़े पहने बूढ़ा आदमी हंसा। वरिष्ठ, शर्तें? कैसी शर्त, और आखिर शर्त में क्या है? दर्श ने पूछा। अब जब बूढ़े आदमी ने अपना नियंत्रण छोड़ दिया था तो उसके लिए 4 वर्षों में अपने दम पर पूरे जूक्सियन द्वीप समूह से प्रतिस्पर्धा करना बेहद मुश्किल हो गया था। काले कपड़े वाले इस बूढ़े आदमी में कुछ ताकत थी। यदि वो वास्तव में उसकी मदद करने को तैयार हो तो ये एक अच्छा विकल्प होगा। हालांकि दर्श अभी इस बारे में निश्चित नहीं है कि क्या यह बूढ़ा व्यक्ति भरोसे के लायक है, इसलिए वो बहुत सतर्क भी था। दर्श अपना हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। यह शर्त वास्तव में बहुत सरल है। मैं कई वर्षों से अभ्यास कर रहा हूं, लेकिन मुझे कभी कोई शिष्य नहीं मिला। मुझे लगता है कि तुम्हारी प्रतिभा अच्छी है और तुम में कुछ क्षमता है। मेरा शिष्य बनने के बारे में क्या ख्याल है? जब तक तुम मेरे स्कूल में प्रवेश करते हो मैं इसे निश्चित रूप से अपना लूंगा। जाओ और सिटाडल दानव स्कूल के सदस्यों को तुम्हारी मदद करने का आदेश दो, काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने कहा। यह सुनकर दर्श थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने वास्तव में उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने की योजना बनाई थी। हालांकि दर्श बहुत शर्मिंदा लग रहा था। आखिरकार उसके पास पहले से ही आदेश उसका गुरु था। हालांकि अब आदेश की खेती उसकी अपनी खेती से बहुत हीन थी, लेकिन आखिरकार वो उसका गुरु था। फिर दर्श ने कहा, सीनियर, इस जूनियर को पहचानने के लिए धन्यवाद, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मेरे पास पहले से ही एक गुरु है और गुरु मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। मुझे लगता है कि मैं किसी अन्य छात्र से नहीं जुड़ सकता। अरे मुझे लगता है कि तुम बहुत होशियार बच्चे हो, लेकिन कभी कभी तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? किसने कहा तुम्हें ऐसा कि अगर तुम किसी गुरु को अपने रूप में पूछते हो तो तुम मुझे अपने गुरु के रूप में नहीं पूछ सकते? तुमको ये किसने बताया कि एक व्यक्ति अपने जीवन में केवल एक ही व्यक्ति की पूजा अपने गुरु के रूप में कर सकता है? अगर वो किसी और को अपना गुरु मानकर उसकी पूजा करना चाहता है तो उसे अपने गुरु को धोखा देना होगा। काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कुछ नाराजगी के साथ कहा। ये इस समय दर्श अवाक रह गया। जियोझोंग महाद्वीप में
किसी अन्य परिवार में शामिल होना वास्तव में कोई गौरवशाली बात नहीं थी, लेकिन काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति की नजर में उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी और उसने दर्श को उसके साथ विश्वासघात नहीं करने दिया। तब दर्श ने पूछा, वरिष्ठ, क्या तुम्हारा मतलब यह है कि जब मेरे पास पहले से ही एक गुरु है तो मैं अपने गुरु के रूप में तुम्हारी पूजा कर सकता हूँ? क्या तुम मेरे शिष्यत्व को दूसरों के साथ साझा करने के इच्छुक हो? बकवास, एक उत्कृष्ट जूनियर कौन उसे शिष्य बनाने में जल्दबाजी नहीं करेगा। वो अपना कौशल तुम्हें सौंप देगा और मैं अपना कौशल तुम्हें दे दूंगा, इससे कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा बच्चे, यदि तुम मुझे अपने गुरु के रूप में पूछते हो तो जो लाभ मैं तुम्हें दे सकता हूँ वो सिर्फ तुम्हें तुम्हारी दोस्त को वापस पाने में मदद नहीं कर रहा है। मुझे एम्परर टूम में बहुत सारा खजाना मिला, वहां खेती के अनगिनत रिसोर्सेस हैं। मैंने एक सीक्रेट स्किल भी पकड़ी जो सुजाकू पुनरुत्थान तकनीक है। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने इशारा किया, चार हाथी का आकर्षण और सुजाकू पुनरुत्थान तकनीक की छवि। इस समय दर्श मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसने सीक्रेट रूप से सोचा, उसने वास्तव में सुजाकू पुनरुत्थान तकनीक को छीन लिया था और बुरी आत्मा का जाल भी उसके द्वारा ही बिछाया गया था। मुझे पता है कि तुम लड़के इस एम्परर टूम में रहने से लाभान्वित हुए हो और तुम्हारे पास पहले से ही दो सीक्रेट स्किल है, इसलिए मैंने केवल उन सीक्रेट स्किल को एकत्र किया है और उनका उपयोग नहीं किया है। जब मैंने योजना बनाई तो मैं उन्हें उपहार के रूप में देना चाहता था, तुमको एक शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए, तुम्हारे लिए। लेकिन मैं बहुत लालची हूँ और मैंने एम्परर टूम के खतरों को कम आंका है। मैं मौका देखकर पहले ही रुक गया, जिसके परिणाम स्वरूप मैं यही फंस गया। अब जबकि मैं चार हाथियों के आकर्षण की संरचना द्वारा अंदर सील कर दिया गया हूँ, ये चीजें तुमको देना मुश्किल है, लेकिन जब तक मैं बाहर जा सकता हूँ मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा। बच्चे, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी खेती का तरीका बहुत खास है। ऐसा लगता है कि जब तक तुम्हारे पास खेती के रिसोर्सेस हैं, तुम्हारी खेती तेजी से बढ़ने में सक्षम होगी। ईमानदारी से कहूँ तो इस एम्परर टूम में मैंने जो खेती के रिसोर्सेस प्राप्त किए हैं वे निश्चित रूप से तुम्हें मौत तक लेकर जाएगी और तुम्हारी खेती को बहुत मजबूत स्तर तक पहुँचा देगी। जहाँ तक मेरी बात है, इस स्तर पर मैं अब खेती के रिसोर्सेस पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं करता, अन्यथा ये मुझे केवल स्थिर बना देगा। इसीलिए जब तक तुम मेरे शिष्य बनने के इच्छुक हो जाओगे तो मेरे पास यहाँ मौजूद सभी साधन रिसोर्सेस तुम्हें दिए जाएंगे, तुम्हारे लिए कुछ भी बच्चे। काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने बड़े आश्वासन के साथ कहा। जब उन्होंने ये शब्द कहे तो उनका चेहरा ईमानदारी से भरा हुआ था, जैसे कि उन्होंने वास्तव में दर्श को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने की योजना बनाई हो। काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति की बातें सुनने के बाद दर्श द्रवित हो गया, लेकिन उन्हें कुछ संदेह भी था, इसलिए दर्श ने पूछा, वरिष्ठ, क्या तुम वास्तव में मुझे एक शिष्य के रूप में स्वीकार करने को तैयार हो? क्या तुम वास्तव में मेरी मदद करने को तैयार हो? लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं कमजोर खेती वाला एक गरीब लड़का हूं और तुम मेरी मदद करने को तैयार हो? ना सिर्फ मदद बल्कि मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो, आखिर क्यों? दर्श को मन ही मन ये सवाल परेशान कर रहे थे। दर्श बहुत अच्छे से जानता था कि आज के जमाने में कोई किसी के लिए इतना नहीं करता, अगर करता भी तो सामने वो भी किसी चीज की उम्मीद रखते हैं। आप इतना कुछ मेरे लिए आखिर क्यों कर रहे हो? क्यों, कोई कारण नहीं, मैं बस अपने लिए एक उत्कृष्ट उत्तराधिकारी ढूंढना चाहता हूँ और तुम वो लड़के हो। यदि तुम वास्तव में कोई कारण चाहते हो तो मैं तुमको एक कारण दे सकता हूँ। मैं पहले से ही 100 साल से अधिक का हूँ, अगर मैं दोबारा जीवित भी हुआ तो ये केवल कुछ 100 साल ही रहेगा। मेरी प्रतिभा बहुत अच्छी नहीं है, मार्शल आर्ट का राजा बनना भाग्य है, इसे जारी रखना बहुत मुश्किल है। सफलताएं हासिल करो और मेरे जीवन का विस्तार करो,
आज सामान्य साधना रिसोर्सेस मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता। मेरे लिए आत्मज्ञान प्राप्त करना कठिन है। जब तक कोई मार्शल सम्राट स्तर का गुरु ना हो जो मेरी मदद करने के लिए अपनी अद्वितीय सम्राट स्तर की युद्ध शक्ति का उपयोग करने को तैयार हो। काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने कहा। दर्श दो पल के लिए स्तब्ध रह गया। दर्श सोच में पड़ गया। बचपन से दर्श आदर्श को गुरु मानता आया था। दर्श ने यह कभी नहीं सोचा था कि जब वो बड़ा होगा तो सामने से कोई आएगा और उसे शिष्य के रूप में अपनाने के लिए तैयार होगा। दर्श दो चीजों में उलझ गया था। पहला कि क्या वाकई काले कपड़े पहने जो बूढ़ा आदमी था वो दर्श को अपना शिष्य बनाना चाहता था या ये उसकी कोई चाल थी। दूसरा, क्या दर्श अपने पहले गुरु का स्थान किसी और को दे पाएगा। दर्श कंफ्यूज हो गया था। एक ओर दर्श को लग रहा था कि काले कपड़े पहने जो बूढ़ा आदमी था वो एक चाल चल रहा है। क्या वो मुझे इसीलिए शिष्य बनाना चाहता था ताकि मैं काबिल हूं, ताकि वो मेरे नाम पर बाहर लोगों को बता सके, या वाकई वो मुझे शिष्य बनाना चाहता था। दर्श को ये सारे सवाल काफी परेशान कर रहे थे। दर्श ने एग से पूछा, एग तुम्हें क्या लग रहा है, ये जो काले कपड़े पहने बूढ़ा आदमी था वो वाकई मुझे अपना शिष्य बनाना चाहता है। एग ने कहा, मैं अभी हाल फिलहाल तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकती, मुझे थोड़ा वक्त दो, पर तब तक कोई फैसला मत लेना। दर्श ने हां में अपना सर हिलाया। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने कहा, दर्श तुम्हें अगर सोचने के लिए वक्त चाहिए तो कोई बात नहीं, तुम वक्त ले सकते हो, आराम से अपना फैसला सुनाना। दर्श ने हां में अपना सर हिलाया। दर्श क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक ओर दर्श को कोई शिष्य बनाना चाहता था तो वहीं दूसरी ओर दर्श पर अपने पिता का भूत सवार था। दर्श शीतल की खोज में निकलने ही वाला था कि काले रंग के बूढ़े आदमी ने उसे रोक लिया था। वहां मौजूद सभी काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी की बातों से हैरान रह गए थे। अब सबकी नजर दर्श के फैसले पर टिकी थी। सन्नाटा छा गया था। दर्श पगला गया था। दर्श खुद से ही बातें करने लगा। ईस्टर्न सी दल के सदस्य ने कहा, दर्श तुम ठीक तो हो ना। अचानक दर्श चुप हो गया। इंतजार था तो बस दर्श के फैसले का। क्या वाकई काले कपड़े पहने बूढ़ा आदमी दर्श को अपना शिष्य बनाना चाहता था या ये उसकी कोई नई चाल थी। आखिर दर्श का फैसला क्या होगा। आखिर दर्श अपने पिता की खोज में कहां तक पहुंचा था। क्या दर्श जिहान पैलेस वापस लौटना भी चाहता था या नहीं। आखिर दर्श अब कौन सी नई मुसीबत में पड़ने वाला था। आगे क्या होने वाला था दर्श की जिंदगी में, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। दर्श क्या फैसला लिया तुमने, ब्लैक कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने कहा। दर्श विचारों में खोया हुआ था। दर्श अभी भी तय नहीं कर पा रहा था। तभी काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने कहा, चलो मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूं जिससे फैसला लेने में तुम्हें आसानी हो जाएगी। दर्श को कुछ समझ नहीं आ रहा था। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने बात को बहुत घुमाने की कोशिश भी की। दर्श ने तुरंत काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी के झूठ को पकड़ लिया था। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी के पास सच के सिवा और कोई चारा नहीं था। ईस्टर्न सी दल भी इंतजार में खड़ी थी। दर्श ने कहा, अब सच बता भी दो, क्या है सच, क्यों तुम मुझे अपना शिष्य बनाने पर तुले हो। सब दंग रह गए थे। दर्श का रक्षक भी दंग रह गया था। कोई काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी की सच्चाई से वाकिफ नहीं था। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है बताता हूं। ईस्टर्न सी में एम्परर विघ्नेश पहले से ही बहुत शक्तिशाली रहा, तो एम्परर विघ्नेश कहां से आ सकते थे। भले ही फिर एम्परर विघ्नेश कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, फिर भी वो सर्वोच्च है। जो इतने बड़े व्यक्ति है वो मेरे जैसे एक विनम्र बूढ़े व्यक्ति को साधना में सफलता हासिल करने में मेरी मदद करने के लिए अपनी सारी एनर्जी खर्च कर दी। आखिर कोई व्यक्ति इतनी एनर्जी कैसे खर्च करने को तैयार हो सकता है। इसीलिए मैं एक उत्तराधिकारी की तलाश में हूं
एक ऐसा उत्तराधिकारी जिसमें मार्शल एम्परर बनने की क्षमता हो। मैं उसे हर कीमत पर एक मार्शल एम्परर बनने के लिए प्रशिक्षित करूंगा। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि वो एम्परर विघ्नेश बन सकता है या नहीं, या एम्परर विघ्नेश बनने के बाद वो मुझ पर एक बुरे बूढ़े व्यक्ति पर ध्यान देगा या नहीं। यही वो रास्ता था जिसे मैंने अपनाने का फैसला किया था। जब मुझे पता चला कि मैं अब और बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता, तो मैंने सब कुछ दूसरों को सौंप दिया। तुम वो व्यक्ति हो जिसे मैं सौंपना चाहता हूं। दर्श गहरी सोच में डूबता चला गया। तभी काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने कहा, अरे बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस कारण को स्वीकार कर सकते हो? काले कपड़े वाला बूढ़ा आदमी अचानक हंसा, मानो उसने पहले जो कहा वो सिर्फ एक मजाक था। हालांकि दर्श ने पाया कि काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति की मुस्कान में थोड़ी बेबसी थी। उसकी मुस्कान आत्मनिंदा करने वाली मुस्कान थी। दर्श ने पूछा, वरिष्ठ, मैं आपको असभ्य होने के लिए क्षमा करता हूं। हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं और मैंने आपसे कभी आपका नाम नहीं पूछा। अचानक दर्श ने गंभीर और विनम्र चेहरे के साथ काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति को सलाम किया। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने कहा, जब से टटल दानव स्कूल के चार संरक्षकों में से पहला होने की बात आती है, तो ईस्टर्न सी में कोई भी मेरा नाम नहीं जानता था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी छोटी सी जगह में आपने कभी नाइट डीमन स्कूल सुना है? तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुमने एक बार भी नहीं सुना है। तो तुम कैसे जान सकते हो कि मैं कौन हूं? अक्सर ये काफी लोगों के साथ हुआ भी है। बातें करना शुरू कर देते हैं पर एक दूसरे का नाम नहीं पूछते। यही तो संस्कृति है। बात करो, मदद करो। वो कहते हैं ना, वैसे भी नाम में क्या रखा है। बिल्कुल ऐसा। वहां मौजूद सब लोग हंसने लग जाते हैं। दर्श के चेहरे पर मुस्कान को देखकर काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने कहा, दर्श, याद रखो, मेरा नाम कांजी है। शिष्य दर्श, गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करो। कांजी ने कहा, अब तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया है। अब दर्श, तुम कहो, तुम्हारा क्या फैसला है? तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। दर्श सहम जाता है। दर्श को उभरने में थोड़ा वक्त निकल जाता है। दर्श सोचता है। दर्श अपने रक्षक बूढ़े आदमी की भी सलाह लेता है। दर्श एक की भी सलाह लेता है। दर्श का वक्त हाथ से फिसलता जा रहा था। दर्श ने जोर से सांस ली। दर्श ने फैसला कर लिया था। बिना किसी को बताए या बिना कुछ किए दर्श जल्दी से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और कांजी के आगे झुक गया, क्योंकि दर्श इस अवसर को चूकना नहीं चाहता था। दर्श ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारा शिष्य बनने के लिए तैयार हूं। दर्श को अभी अगर पूछा जाए कि उसका गुरु कौन है, तो आदेश हमेशा से पहले गुरु रहेंगे, बाद में कांजी। बुजुर्ग कांजी भी खुश हो गए। वहां मौजूद सभी लोग खुश हो गए थे। बुजुर्ग कांजी के आंखों में खुशी के आंसू छलक रहे थे। जुक्सियन द्वीप समूह के दिग्गजों का सामना करते हुए और एम्परर टूम खजाने के प्रलोभन का सामना करते हुए दर्श ने दृढ़ता से अपने शिष्य के रूप में कांजी की पूजा करने का फैसला किया। बेशक हालांकि दर्श हितों से प्रेरित था, उन्होंने सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद ऐसा किया। अभी कांजी के साथ बातचीत के दौरान दर्श ने कांजी के चेहरे के भाव और आवाज के लहजे को ध्यान से देखा। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे उन्होंने अभी कहा था। जब उनके लिए अपने मार्शल आर्ट प्रशिक्षण में अधिक प्रगति करना कठिन हो गया, तो उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को प्रशिक्षित करना चुना जो उनकी उपलब्धियों से आगे निकल सके। यदि वो सफल होता है तो वो इस एहसान का लाभ उठा सकता था। जिन लोगों को वो प्रशिक्षित करता था उन्हें उसकी मदद करने दे सकता था। हालांकि ये बहुत जोखिम भरा है। ये वास्तव में एक तरीका था। हालांकि ये केवल दर्श का निर्णय है। दर्श ये निश्चित नहीं है कि कांजी सिर्फ उसका उपयोग करना चाहता है या नहीं, लेकिन फिलहाल उसके पास स्पष्ट रूप से कोई विकल्प नहीं था। दर्श ने कहा, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, जल्दी उठो। कांजी ने कहा, दर्श, मैं तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर बहुत खुश हूं।
मुझे पहले यकीन नहीं था, लेकिन अब मुझे यकीन है कि तुम निश्चित रूप से मुझसे और ईस्टर्न सी में सभी से आगे निकल जाओगे और तुम एम्परर विघ्नेश बन जाओगे। दर्श की मुस्कान और चुप्पी ने जवाब दे दिया था। दर्श कांजी को अपना दूसरा गुरु मानने को तैयार हो गया था। दर्श खुश हो गया था। दर्श खुशी से पागल हो गया था, खुशी से नाचने लगा। साथ ही बुजुर्ग कांजी भी अपने फैसले से बहुत खुश थे। मैं मार्शल एम्परर बनने की राह में आपकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उससे पहले आपको पहले मेरे लिए एक काम करना होगा, कांजी ने मुस्कुराते हुए कहा। दर्श ने कहा, काम? कैसा काम? गुरु, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो कृपया मुझसे पूछे। शिष्य निश्चित रूप से निर्देशों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा, दर्श ने सम्मान पूर्वक उत्तर दिया। अरे, ये वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं थी। मुझे यकीन था कि तुम अनुमान लगा सकते हो कि मैं यहाँ फंस गया हूँ और आपके लिए कुछ नहीं, लेकिन तुम इस चार हाथियों के आकर्षण संरचना को नहीं तोड़ सकते, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक सुदृढ़ीकरण ढूंढने में मेरी मदद करो, कांजी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुदृढ़ीकरण, ये कौन है भाई? दर्श ने पूछा। वो हमारे सिटाडल दानव स्कूल फ्रेडी के चार महान रक्षकों में से एक थे। हालांकि हम चारों को स्कूल के नेता के पद के लिए लड़ने में कुछ परेशानी हुई, लेकिन बाद में फ्रेडी ने मुझ पर एहसान किया। हालांकि यह व्यक्ति क्रूर है, वो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले साधनों की उपेक्षा करता है। वो काफी स्नेही और नेक है। जब तक आप उसे ढूंढेंगे और उसको स्थिति समझाएंगे, वो निश्चित रूप से मेरी मदद करने आएगा, लेकिन सावधान रहे कि मेरे ठिकाने के बारे में फ्रेडी को छोड़कर सिटाडल ताना स्कूल में किसी को ना बताए, अन्यथा कोई अनिवार्य रूप से चोट में अपमान जोड़ देगा, कांजी ने कहा। फिर मास्टर, वो वरिष्ठ फ्रेडी, वो अब कहाँ था और उसकी विशेषताएं क्या थी? मैं उसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं आपका शिष्य हूं? दर्श ने पूछा। आप वास्तव में विचारशील हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि फ्रेडी अब कहाँ है। मैं केवल इतना जानता हूं कि वो ये नहीं छोड़ेगा, कठोर सागर। लेकिन वास्तव में वो कहाँ है, इसका पता आप स्वयं लगा सकते हैं। जहां तक उससे आप पर विश्वास करने के लिए कहने की बात है, तो ये बहुत सरल है। उससे मिलने के बाद आपको बस उसे ये बताना होगा कि काली धुंध की खाई में आपने एक बार किसी पर एहसान किया था और उस व्यक्ति को अब आपकी मदद की जरूरत है। याद रखो, उससे फालतू बातें मत करना, नहीं तो वो तुम्हें न केवल नजरअंदाज करेगा बल्कि मार भी डालेगा, कांजी ने गंभीरता से याद दिलाया। चिंता मत करें मास्टर, मैं जल्द से जल्द सीनियर फ्रेडी को ढूंढूंगा और आपकी मदद करूंगा। ये वही है जो दर्श अपने दिल में कह रहा है, क्योंकि वो मजबूत बनने के लिए इंतजार नहीं कर सकता है और जूक्सेन द्वीपों के खिलाफ सुरक्षा पाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता है, और इस सब का आधार कांजी को बचाने पर आधारित है। ठीक है, आप बहुत चतुर हैं, लेकिन जब आप ईस्टर्न सी में जाते हैं तो आपको अभी भी सावधान रहना होगा। ये आपके छोटे जीव जो महाद्वीप से तुलनीय नहीं है, चाहे वो लोगों की ताकत हो या कम करने के साधन। कांजी ने फिर से याद दिलाया, शिष्य सावधान रहेगा। दर्श ने आज्ञाकारी ढंग से सर हिलाया, लेकिन चार हाथियों का आकर्षण संरचना को ध्यान से देखने के बाद उन्होंने फिर से कहा, लेकिन मास्टर, आप अब चार हाथी का आकर्षण में फंस गए हैं और हिल भी नहीं सकते हैं, और ईस्टर्न सी बहुत दूर है। ये उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि जब मैं ईस्टर्न सी तक पहुंचूंगा तो मैं सीनियर फ्रेडी को ढूंढ पाऊंगा, यहां तक कि अगर मैं उसे ढूंढ लूं, लेकिन आगे और पीछे की यात्रा में काफी समय लगेगा। दर्श जानता था कि मार्शल आर्टिस्ट चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो भोजन के बिना नहीं रह सकता। मॉन्स्टर मंकी किंग ने असुरा घोष टावर में इतने लंबे समय तक रहने के लिए पर्याप्त भोजन तैयार किया था, कांजी ने भी खाना नहीं बनाया होगा। चिंता मत करो, हालांकि फोर एलिफेंट का आकर्षण ने मुझे फंसा लिया था, लेकिन इस फोर एलिफेंट का आकर्षण ने
हमेशा मुझ में विशेष शक्ति भर दी। ये मेरे जीवन को बनाए रखने की शक्ति है। ये मुझे भूख से मरने नहीं देगी। ये इससे मुझे यहां बुढ़ापे में ही मरना पड़ेगा। तो तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस जितनी जल्दी हो सके फ्रेडी को ढूंढो। भले ही ये बूढ़े आदमी और मेरे लिए नहीं है, तुम्हें अपनी छोटी प्रेमिका के लिए जल्दी करनी होगी। हालांकि चूकसियन द्वीप समूह से डरने की कोई बात नहीं है, फिर भी मुझे चूकसियन द्वीप समूह के खिलाफ लड़ने से पहले अपने सिटाडेल टेमन स्कूल के खंडित सदस्यों को एकीकृत करने में समय लगेगा। कांजी ने मुस्कुराते हुए कहा। ईस्टर्न सी दल के लोग दर्श को देखते रह गए थे। दर्श को छूना अब और मुश्किल हो गया था। दर्श अब बुजुर्ग कांजी जी को पूजने लगा था। दर्श और शक्तिशाली बन गया था। दर्श जिहान पैलेस की ओर निकल गया था। दर्श और कांजी अब एक हो गए थे। ईस्टर्न सी दल दर्श के खिलाफ खड़ा हो गया था। क्या दर्श ईस्टर्न सी दल का अकेले सामना कर पाएगा? क्या दर्श ने कांजी को अपना गुरु मानकर सही किया? क्या दर्श वाकई खुश था? आखिर दर्श कब जिहान पैलेस पहुंचेगा? आगे क्या होने वाला था दर्श की जिंदगी में? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।